तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पता है कि आपको कल HSPT बोर्ड की तरफ से आपके कॉलेज में नोटिस फॉरवर्ड किया गया था एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। तो जो भी बच्चे हरियाणा से डिप्लोमा, डी फार्मा कर रहे हैं, जो उनके नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होंगे जुलाई अगस्त में, उनके रिगार्डिंग में एक नोटिस पब्लिश किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स होंगे, MCQ के क्वेश्चन कितने आएंगे, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारा कुछ बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और डी फार्मा का जो बच्चे हैं उनका मैं पेपर भी दिखाने वाला हूं, और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं एनुअली जो फर्स्ट ईयर का पेपर देते हैं, मैं उनका भी पेपर दिखाऊंगा और उनका भी पैटर्न समझाने का कोशिश करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना एंड वीडियो को लाइक करना। अगर कोई डाउट बच जाए तो नीचे आप कमेंट करना। स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उसको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, फिर बाद में मुझे कॉल करते हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करो। तो डिप्लोमा का देखते हैं। सबसे पहले मैं डिप्लोमा का देखता हूँ। गाइस, डिप्लोमा का पेपर आपको पता है कि 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैं कल वीडियो अपलोड नहीं किया था। बहुत सारे बच्चे का डाउट था कि सर वीडियो आपने क्यों नहीं अपलोड किया। बहुत बच्चे कॉल कर रहे थे मेरे पास व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो गाइस, मैं बता दूँ, कल वीडियो इसलिए अपलोड नहीं किया था, सबसे पहली बात कि मुझे जब तक 100% सेटिस्फाई नहीं होता है कि नोटिस कब का है, कहाँ का है, कब आपके कॉलेज में फॉरवर्ड किया गया था, मैं 2-4-10 कॉलेज से कॉन्टेक्ट नहीं करता हूँ, तब तक मैं आपके पास नोटिस नहीं लेकर आता हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए कल नोटिस और ये वीडियो आपके लिए नहीं लाया था, आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मेन यही कारण है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँगा तब तक मैं आपको सेटिस्फाई कैसे करूँगा, तो इसलिए मैं वीडियो डिले कर रहा हूँ। तो देखते हैं डिप्लोमा का पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक है। तो सेक्शन ए होने वाला है, सेक्शन ए के अंदर 10 MCQ क्वेश्चन आएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर, सेक्शन ए के अंदर 10 MCQ क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के कैरी करेंगे, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें MCQ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे का डाउट था कि सर सेक्शन बी में भी MCQ होगा क्या। मेरे पास कल बहुत बच्चे कॉल किए थे, तो नहीं, सेक्शन बी में आपके फिल इन द ब्लैंक शॉर्ट एंड टाइप क्वेश्चन होंगे, आपको 10 आउट टू 10 आउट करने पड़ेंगे, 10 में से 10 करने पड़ेंगे। सेक्शन सी देखते हैं, सेक्शन सी में 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आपको 12 करने पड़ेंगे और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेंगे, टोटल 60 मार्क्स। सेक्शन डी देखते हैं, सेक्शन डी के अंदर लॉन्ग होता है, आपको पता ही है, इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको करने पड़ेंगे 2, टोटल मार्क्स 20। तो आपके टोटल ऐड करने के बाद आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर 38 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 100 मार्क्स आपके देकर जाएंगे, ठीक है। टोटल 38 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 38 अटैम्प्ट नहीं करने, अटैम्प्ट कितने करने हैं, जितने लिख रखे हैं इसमें, 15 में से 12 और 3 में से 2 सेक्शन सी और डी में। टोटल 38 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स 100 है, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्लोमा वाले का, याद रखना सेक्शन ए में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 10 में से 10, लेकिन सेक्शन बी में बहुत बच्चे कन्फ्यूज थे, लेकिन सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर एनुअली का, जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं स्पेशली फर्स्ट ईयर में, उनका क्या पैटर्न है मैं अब बताता हूँ। देखिए, 60 पहले इनके जो होंगे 60 नंबर के ही पेपर होंगे, टोटल पहले सुन लो, 60 नंबर के ही पेपर होंगे, ठीक है। और जो सेक्शन ए होगा, जिसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 आउट ऑफ 6 करने पड़ेंगे, 1 मार्क्स कैरी होंगे सारे क्वेश्चन का। सेक्शन बी में भी 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 इंटू 1 करने, 6 क्वेश्चन होंगे, सारे 1 मार्क्स कैरी करेंगे, तो 6 नंबर होंगे, ठीक है। और सेक्शन बात करते हैं, सेक्शन सी का, डी का बात करते हैं, तो इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे और 2 ही करने पड़ेंगे, 3 में से 2 ही करने पड़ेंगे, यानी 16, टोटल आप जोड़ेंगे तो 60 और टोटल क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आएंगे। तो ये है, तो ये पैटर्न है फर्स्ट ईयर वाले का। फर्स्ट ईयर वाले का 3-4 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी, ए के अंदर उनके 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी के अंदर 6 क्वेश्चन आएंगे, पर वह ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, आपके फिल इन द ब्लैंक या शॉर्ट होंगे सेक्शन बी के अंदर, ठीक है। सेक्शन सी के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे, बट 8 करने पड़ेंगे और सारा 4 मार्क्स आपके देखे जाएंगे, टोटल 32। और सेक्शन डी में 2 ही करने पड़ेंगे, 16 मार्क्स के, 8-8 करके, तो 80 नंबर। ये था फर्स्ट ईयर वाले। तो आई होप कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे समझ गए होंगे क्या उसका पैटर्न है एग्जामिनेशन का। अब बात करते हैं हम लोग डी फार्मेसी का। डी फार्मेसी का पेपर पता है आपको कि 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स सब क्वेश्चन कैरी करेंगे, 8 नंबर। सेक्शन बी में भी सेम रहेगा, सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन आएंगे, 8 करने पड़ेंगे, 40 मार्क्स। सेक्शन डी में चार क्वेश्चन आएंगे और आपको करने कितने पड़ेंगे, 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और ऐड करोगे सारे नंबर का,
तो सारे नंबर डी फार्मेसी वाले बच्चे का 80 है, टोटल क्वेश्चन 30 रहेंगे, ठीक है। तो ये डी फार्मेसी का सिस्टम है। तो डिप्लोमा वाले बच्चे समझ गए, डिप्लोमा का पेपर 100 नंबर का होगा, जिसमें सेक्शन ए में ही 10 ऑब्जेक्टिव होगा, सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। इससे आप कन्फ्यूज मत होना, सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ये देख सकते हैं, मैं एक सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ, डी फार्मेसी का बच्चे का फार्मेसी का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर है, मैं सैम्पल दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह से आएंगे आपके, देख सकते हैं गाइज। जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, सेक्शन बी देख सकते हैं, सेक्शन सी देख सकते हैं और सेक्शन डी देख सकते हैं, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब बात करते हैं एनुअली केमिस्ट्री, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, एनुअली डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन पेपर है ये। आप पैटर्न, इससे आप पैटर्न अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस पैटर्न में आपके पेपर आएंगे, ठीक है। इस पैटर्न में आएंगे, मैंने बता दिया है ऑलरेडी आपको, सेक्शन ए में 6 होंगे, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और सेक्शन डी में मैंने क्या बताया था, 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से कोई आपको 2 करने पड़ेंगे। आप 24-25 कर लो या 23-24 कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये पैटर्न है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर डाउट क्लियर हो पाया होगा कि आपके पेपर कितने ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ठीक है। तो आप पैनिक मत होना, आप अच्छे से स्टडी करो, ऑनलाइन स्टडी करो, ठीक है। आप यूट्यूब का हेल्प लो, क्रोम का हेल्प लो, और आपकी जो वेबसाइट के ऊपर SSBT बोर्ड ने सिलेबस डाल रखा है, बुक डाल रखा है, PDF डाल रखा है, वीडियो डाल रखा है, तो आप जाकर वहाँ से चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उनको देखो, ठीक है। और आप पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑनलाइन पढ़ाई करो। ऑनलाइन में कोई दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करना, मैं सॉर्ट आउट करूँगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप इंस्टाग्राम में वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे भी। आप वहाँ भी कोई क्वेश्चन होता है, आप वहाँ भी डायरेक्ट मुझे DM कर सकते हो, मैं वहाँ भी आपका प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन दूंगा। आप कहीं भी पढ़ाई करो, समस्या होता है किसी चीज़ का समस्या, तो आप मुझे DM कर देना, फ़ोन कर देना, मैं 100% सोल्यूशन आपको दूंगा, तो दूंगा। तो आपका ओवरऑल एग्जाम पैटर्न यही था। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली कोई वीडियो में। कोई डाउट हो नीचे कमेंट करना। सो थैंक यू।